सोलन से महज 2 किलोमीटर दूर गांव आज भी सड़क से महरूम है, जिसकी अप्रत्यक्ष रूप से कहीं न कहीं प्रदेश सरकार जिम्मेदार नजर आ रही है। जानकारी के अनुसार बसाल में गांव वासियों ने हिमुंडा को अपनी जमीनें इसलिए बेची ताकि उनके क्षेत्र का विकास हो सके, लेकिन इस हिमुंडा कॉलोनी से आगे जो गांव है उन्हें अगर सड़क से जोड़ना है तो इन्हें हिमुंडा की सड़क से ही होकर गुजरना पड़ेगा, लेकिन हिमुंडा उन्हें अपनी सड़कों से जाने की अनुमति नहीं दे रहा है। यही कारण है कि उनके गांव को सड़क नहीं मिल पा रही है। इसके लिए गांव का प्रधान गांववासी पिछले 2 वर्षों से अधिकारियों के पास जाकर मिन्नतें कर रहे हैं, लेकिन हिमुंडा है कि मानने को तैयार नहीं है, जिसके चलते नरेंद्र मोदी का सपना हर गांव को सड़क से जोड़ना पूरी तरह से पूरा नहीं हो रहा है। गांववासियों ने थक हार कर अब मीडिया की शरण ली और गुहार लगाई है कि अगर उनके गांव में कोई बीमार होता है तो उसे कंधे पर उठाकर अस्पताल पहुंचाना पड़ता है। यही नहीं, गर्भवती महिलाओं को अस्पताल पहुंचाने में तो कई बार महिलाओं की जान पर बन चुकी है, लेकिन बार बार कहने पर भी उन्हें आज तक एम्बुलेंस मार्ग नहीं मिल पाया है। उन्होंने कहा कि हिमुंडा को गांववासियों ने जमीन बेची और आज उन्हें ही दरकिनार किया जा रहा है। अगर वह जल्द इस पर कोई सहमति नहीं देते हैं तो वह धरना प्रदर्शन करेंगे और अपना हक लेकर रहेंगे। यहाँ पर 2-3 गांव ऐसे हैं हमारे जो यहाँ पे सड़क नहीं है और हमारे को बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ता है। जैसे कई बार प्रेगनेंसी में लेडीज वगैरह को पैदल चल के जाना पड़ता है, कोई अगर लेबर पेन भी शुरू हो जाए तो उनको उठा के मतलब बसाल तक या कहीं रोड हेड तक मतलब पहुंचाने में बड़ी दिक्कत होती है। खेतों में जो सीजन वगैरह होता है वो भी पीठ में उठा के बसाल तक लाना पड़ता है। अब देखिए ना सर, ये हमारा जो गांव है ये सिर्फ 2 किलोमीटर की दूरी पर है सोलन से, तो हम फिर भी पिछड़े हुए हैं, हमारे को सड़क का कोई भी नहीं आया। तो हम ये चाहते हैं आज मीडिया के माध्यम से हम अपनी समस्या मतलब पहुंचाना चाहते हैं सरकार तक कि हमें ये जल्दी से जल्दी प्रोवाइड कराई जाए सड़क। लगभग 2 साल से हम हिमुडा से कॉरेस्पॉन्डेंस कर रहे हैं कि आप हमें यहाँ से सड़क की कनेक्टिविटी दीजिए, परंतु आज तक यहाँ उनकी तरफ से कोई भी कंक्रीट सा जवाब नहीं आया है। हिमुडा ने जहाँ पे एक तरफ सरकार कह रही है कि हर गांव को सड़क से कनेक्टिविटी दी जाए, परंतु हिमुडा जो एक सरकार का ही अंग है यहां से सड़क के लिए हमारा विरोध कर रहा है। ये पर्वतीय क्षेत्र है तो कनेक्टिविटी एक जगह से होती है, हमारी जो कनेक्टिविटी यहां से होनी चाहिए, लोगों को सुविधा मिलनी चाहिए। बुजुर्ग लोग कई बीमार होते हैं, वो लोग जा नहीं पाते हैं, उनको कोई सुविधा उपलब्ध नहीं होती है। हम ये चाहते हैं कि गाँव के लोगों को अधिक से अधिक सुविधा मिले। ये जो कनेक्टिविटी जो हिमुडा ने अभी हमें ये कनेक्टिविटी नहीं दी है, ये जल्दी से जल्दी इस कनेक्टिविटी को दें जिससे कि लोगों को फायदा हो, यहाँ के जो किसान लोग हैं वो अपना माल मंडी तक पहुँचाएँ, अपने जो बीमार बुजुर्ग लोग हैं उनको जल्दी से जल्दी 108 के माध्यम से ये सुविधा दें।